मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है और ऐसी कुछ कहानी है भारत की पहली महिला बॉक्सर मैरी कॉम की। मैरी कॉम को तो आप सब जानते होंगे, इन्होंने ब्रोंज मेडल हासिल किया है और साथ ही साथ कई गोल्ड और सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। इसके अलावा ये 5 बार वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप जीत चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में इनकी बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर इन्होंने कैसे स्ट्रगल करके ये मुकाम हासिल किया है, ये देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो कर दें लाइक। मैरी कॉम का फुल नेम है मांगते चुंगने जेंग मैरी कॉम। प्रोफेशन से एक बॉक्सर है। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 को कंगाठाई मणिपुर इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 38 साल के हैं। दोस्तों, मैरी कॉम का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके माता और पिता दोनों ही किसान थे। मैरी 4 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी और बहुत ही कम उम्र से मेहनती थी और अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाती थी और साथ ही साथ अपने भाई बहनों का देखभाल भी किया करती थी। दोस्तों, इन सब के बाद भी मैरी ने पढ़ाई की और लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल मोयरंग से 6 क्लास तक पढ़ी। इसके बाद मैरी एसटी जेवियर कैथोलिक स्कूल चली गई, जहाँ से इन्होंने 8 क्लास पास की और आगे की पढ़ाई 9th और 10th के लिए वो आदिम जाति हाई स्कूल इम्फाल चली गई। लेकिन मैरी पास नहीं हो पाई और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई एनआईओएस से की और फिर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन चूराचंदपुर कॉलेज मणिपुर से किया। दोस्तों, मैरी बचपन से ही एथलीट बनना चाहती थी और स्कूल के समय में वो फुटबॉल और कई खेल में हिस्सा लेती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने कभी भी बॉक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया था। अब बात करते हैं मैरी कॉम के करियर के बारे में। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि 1998 में जब बॉक्सर डिंको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो मैरी ने उन्हें देखा और मन बना लिया कि उन्हें अपना करियर बॉक्सिंग में ही बनाना है। लेकिन मैरी कॉम के घर वाले माने नहीं और मैरी को समझाते रहे कि लड़की के लिए बॉक्सिंग नहीं बनी है। लेकिन मैरी ने ठान रखी थी कि कुछ भी हो जाए उन्हें बॉक्सिंग ही करनी है और अपने गांव के कोच एम नरजीत सिंह से ट्रेनिंग लेने लगी और खूब मेहनत और लगन से सीखने लगी। और बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मैरी को पता था कि उनके परिवार कभी भी बॉक्सिंग में करियर बनाने के लिए राजी नहीं होंगे, जिस वजह से मैरी ने लगभग 3 साल अपने परिवार से छुपा कर रखा और बिन बताए ही ट्रेनिंग लेती रही और 2000 में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की और उन्हें अवार्ड मिला और ये बात न्यूज़ में छपी थी। तब उनके घर वालों को पता चला और साथ मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मैरी ने वेस्ट बंगाल में आयोजित वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपना स्टेट का नाम ऊँचा किया और फिर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना करियर शुरू किया। इन्होंने 2001 में अमरीका में आयोजित AIBA वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 48 kg वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट लिया, जिसमें ये सिल्वर मेडल जीत गई। और 2002 में तुर्की में आयोजित वुमेन AIBA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 45 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया। दोस्तों, ऐसे ही इन्होंने 2003 से लेकर 2005 तक 4 गोल्ड मेडल जीते। लेकिन 2005 में इन्होंने शादी कर ली और फिर 2 बच्चे को जन्म दिया और फिर 2 साल के ब्रेक लेने के बाद 2008 में मैरी ने मैदान में वापसी की और AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर लाई और साथ ही साथ 2009 में एशियन इंडोर गेम्स वियतनाम में गोल्ड मेडल जीता और 2010 में एशियन वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता कागाजिस्तान में और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, इन्होंने ऐसे ही कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। लेकिन 2014 में मैरी ने साउथ कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया और इनके अचीवमेंट पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिस फिल्म का नाम मैरी कॉम है और ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। और मैरी को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और 2013 में पद्मा भूषण अवार्ड से और साथ ही साथ 2020 में पद्मा विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मैरी कॉम आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको मैरी कॉम की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है मांगते टोम्पा कॉम और इनकी मदर का नाम है मांगते आखम कॉम और इनके 3 भाई बहन भी हैं, जिनका नाम है चुंग नी जेंग।
और मैरी कॉम ने 2005 में कैरन ऑन खोलर कॉम से शादी की, जो कि एक फुटबॉलर है, और इनके 3 बच्चे भी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में 2018 में एक लड़की को अडॉप्ट किया है, और इनके बेटे का नाम है रेचुंगवर कॉम और दूसरे बेटे का नाम है खुपनीवर कॉम, और ये दोनों ट्विन्स हैं और ये 2007 में पैदा हुए थे। और इनके तीसरे बेटे का नाम है प्रिंस कॉम और ये 2013 में पैदा हुए थे। और इनकी एक बेटी भी है जिनको इन्होंने 2018 में अडॉप्ट किया, और इनका नाम इन्होंने रखा मैरी लीन। बात करें इनके हाउस के बारे में तो दोस्तों मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर इंडिया में रहती हैं, जैसा कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं, और ये यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इनके पास कार है मर्सिडीज बेंज GLS 350D और इस कार की कीमत है 88 लाख रुपीज, और इसके अलावा इनके पास कई लग्जरी कार है। वहीं बात करें मैरी कॉम के इनकम के बारे में तो दोस्तों मैरी कॉम 5 लाख रुपए महीना कमा लेती हैं, और इसके अलावा ज़्यादातर इनकी इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है। और दोस्तों मैरी कॉम 25 ब्रांड को इंडोर्स करती है और साथ ही साथ पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए। तो ये थी मैरी कॉम की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको मैरी कॉम कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।